كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک جی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم मैंने सच्ची गल दिली तबीयत ही वे कि जेडे सड़े मेहमान हजरात हैं उन्होंने अज बयान होना चाहिए और उन्होंने ही मौका देना चाहिए। असं इतने मकामी लोग हैं और पहले भवा दे धनबाद पर्ची ना पा दी थी इन्होंने हजरात ना आके जेडे बहरों मेहमान आए हुए हैं और तुम हजरात भी उन्होंने सुनने वास्ते आए हो लेकिन मेरे छोटे भाई मुफ्ती असद महमूद साहब ना हुक्म है कि थोड़ी जी देर जी तू भी गल कर। मैं सिर्फ अपनी हाजरी लवाना चाहना एक गल मैं अर्ज करेना सिर्फ खत्मे नबूवत ने उनवान ते तुसी हजरात भी कम करेने पे हो और छड़े तुसी दस तो बाजू हो अलहमदुल्ला जितने स्टेज पर बैठे ने ना हजरात भी और तुसी हजरात भी असी पहले इन्हों को आने हैं बात तो सने अगे दरखास्त करेने हैं और जिस वक्त भी तुसा खत्म नबूवत ने हवाले नाल आख्या वजे उबराया वजे आवाज़ दी वजे तो अल्लाह ताला तुसा जदे खैर दे कि तुसी लबैक आके मैदान में जाने हो चकड़ाले ने लोग लावे ने लोग तलगंग ने लोग छड़ा ही पूरा इलाका अलहमदुल्ला इस हवाले नाल वैसे भी मजहबी इलाका लेकिन खत्म नबूवत ने हवाले नाल छड़ा इलाका हुण एक पहचान बन गया और पूरे मुल्क वास्ते पहचान बन गया। पिछले हफ्ते मुल्तान आलमी मजलिस ने मरकजी जी शुरू ने इजलास है उस इनका इजलास जिस वक्त ख़त्म होया तो श्री शुरू ने रुकन भी अमन और पिछले साल जामिया कुरान और सुन्नत ने जोड़ा जलसा है उस तशरीफ भी गिन के आया मौलाना राशिद मदनी साहब माँ उबरा के आखन लगे मौली साहब अगले दाड़े भी हरिपुर कानफ्रेंस है मैं उस कानफ्रेंस तुसने पिछड़ंद कानफ्रेंस ना हवाला दिता माशाल्लाह चाको आज उनका बिल्कुल मैं हैरान हो रहा हूँ बह के मौलाना नूर मोहम्मद हजारवी साहब कितना पुरमग्ज बयान पे करे लेकिन तुस आगे 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 अस उभर गया तो दस यही नहीं करना है खत्म नबूवत ने प्रोग्राम है और बिल्कुल ही खामोशी आज बड़ी अजीब है पत्नी तुसी उदास उदास क्यों लेकिन एक बार उच्चा जोर ना आपको सुभान अल्लाह इन्हें मकरे ना बनो ना आख जी घिने हो तो बात आपको ये इतनी खामोशी और बिल्कुल नाराजगी और ये अच्छी गल नहीं मैंने तो बाद जेड़े दोए खतीब आने पे हैं वो दोए तुसा उभर वैसन और जेड़े बाबा जी हैं उन्हें वास्ते तो तुसा उन भी उभरना चाहिए ना कि बार बार आखन पे जोर से बोलो तो थोड़ी जी पहले ही तुसी तैयार हो तो अलहमदुल्ला अल्लाह ताला मां जी तुसा सारा ही निस्बत अता की खत्म नबूवत ने और ये खत्म नबूवत जो कुछ है मौलाना नूर मोहम्मद हजारवी साहब तो समझाने पे मैं चूंकि मौलाना नादर सिद्दीकी साहब स्टेज पर बैठे उन्होंने मौजूदगी लंबी गल मैं ना करना और वक्त भी वैसे भी मुक्त सारे और इतना लंबा ऐसा करना कि सुबह की नमाज मुतासर हो अच्छा भी नहीं मैं सिर्फ एक गल करना जी कि सच्चा नबी ते कूड़ा नबी यानी कूड़ा नबी तो कोई भी नहीं होना कूड़ा नबी ना मतलब नबूवत ना कूड़ा दावा करने वाला और सच्चा नबी इन दोनों में फर्क के वे सच्चा नबी हुए कि उस मुंह चो जेड़ी गल निकल वे वो कई वक्त भी गलत नहीं होनी अल्लाह ताला है जमीन और आसमान ने निजाम था आगे पीछे कर सकने लेकिन पैगंबर ने मुंह चो निकली वही गल कई वक्त भी गलत नहीं हो सकती नबी ने मुंह चो गल कोई निकल गई अल्लाह अकबर वो गल भी उसी अपनी मर्जी ना नहीं निकलनी उससे पीछे भी अल्लाह की मर्जी शामिल होनी और जिस वक्त तो गल निकल बने तब तो उसी सच्चाई की अलामत बन रही अल्लाह ताला उसी गल्ला जरूर पूरा कर देने और जेड़ा होना कूड़ा दावा करने वाला वो अगर कोई गल कसम और कुरान चाह के भी आखे ना कि ही काम ही हो सी या ही मेरी गल पूरी हो सी अल्लाह ताला भी आख रहे मेरी इज्जत की कसम है तोने वो कदरा भी लिखी रही हुई तो हूं मैं पूरी नहीं करता क्योंकि तोने झूठे होने ते एक मोर और लामनी इस ते मिर्जा कादियानी दिया सैकड़ा नहीं हजारा पेशन गोयान जड़िया उस अपनी जिंदगी च कीतियां के हिंज भी हो सी हिंज भी हो सी हिंज भी हो सी और जनाब उस बंदे ने ना गिन गिन के आख्या ये मैंने तो पहले मरसी
इतना झाड़ा बार मार वैसी इतना झाड़ा बार मार वैसी जितना ना नाव घिने उना बात ने शुक्र ना घेदास असी इस तो पहले तो हम मारी ना ना सकते क्योंकि इस छिड़ी मौत अपनी नबूवत की निशानी करार दे देता अल्लाह कहीं झूठे नहीं नबूवत की निशानियां चलन नहीं दे एक मोहम्मदी बेगम ही अगर तुसी कदाई तो साफिर कादियानी की कहानी पढ़ने नहीं तो ठीक होवे और तुसी पढ़ो और अपने उलमा ने लिखे हुए पढ़ के ना मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह तआला ने एक किताब लिखी हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म थे उस किताब ने ना ही कादियानी थे बहुत महजब और बहुत खूबसूरत अंदाज कोई सख्त जुमला नहीं और कोई ऐसा जुमला नहीं जरा अखलाक को गिरे में हुए लेकिन हजरत कोई शह उस कादियानी ने छोड़ी भी नहीं उसे जो पूरा बाब है मोहम्मदी बेगम एक औरत है और अल्लाह ताला उसा इस्लाम के बरकरार रखा पाकिस्तान ही चाहिए इतने पाकिस्तान के अंदर ही उसका इंतकाल होया और अल्लाह ताला उसा कादियानियत की लानत को बचाई रखा लेकिन मिर्जा साहब उस औरत के आशिक है और उस इश्क के पहले रिश्ते मंगे उनका उनकी मिर्जे है खानदान ने एतबार ना लेकिन उन्हें रिश्ता नहीं देता मिर्जा साहब हट गए उन्हें आख्या ये औरत मेरे निकाह में आवनी आवनी इस बात पेशन गोई शुरू हुई और इस जनाब किताबें लिखी हुई शुरू हुई और इस मिर्जा साहब एक तारीख व दुई तारीख व त्री तारीख और जेड़े उस रिश्ते ने मुखालिफ है उन्होंने मौत दिया खबर लेकिन अल्लाह ताला मिर्जे 1908 लैटरीना विच मौत देवने तक मेरे रब उसा मोहम्मदी बेगम ने मुंह भी तकने नहीं मौका नहीं देता और उसे झूठ से खुदा ताला मोर लाई कि तू हमी लांती रवने ही लांती है जो कुछ तोने मुझे चु निकलना पे कर दिया एक गल भी पूरी न होनी ये निशानी झूठे भी और जरा सच्चा होना उससे मुझे चो उसने हथे चो और मैंने दे तकड़ा जरा उसने उसने अच्छियां चो उसने कोल चो फेल चो अमल चो अगर कई वक्त भी कोई गल निकल गई यदि अगर मैंने दे तको और मेरी गल तो समझ आनी पी तो मैं एक जुमला उलमा की मौजूदगी में और आस देना तुसी ते मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारिया तमन्ना कर रहे हैं और बहुत दफा असी आखने यार अगर हिंज हो गया ना तो वह हिंसा कर सा हिंज हो गया तो हिंसा कर सा असी शरत ने लफज उभरने उलमा लिखा कि मेरे पैगंबर आमना ना लाल और जड़ा खुदा ना सच्चा पैगंबर है इमाम उल अंबिया है खातम उल अंबिया है हुजूर ना कमाल ही वे कि अगर नबी अगर भी आख देवन तो मेरा अल्लाह उस अगर अभी उन्हें वो पूरा करे ना जी को मेरे नबी ने मुझे चुने कर गज़वे तबूक के हुज़ूर तबूक ने मैदान में पहुंच गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी आखना या रसूलल्लाह अबू ज़र नहीं आए अबू ज़र गिफारी इस लश्कर इस कोई नहीं शामिल आप खामोश हो गए थोड़ी देर तो बाद वो बात आखना या रसूलल्लाह अबू ज़र नहीं आए आप खामोश हो गए तीन बार उस बात आख्या आप खामोश हो गए वो भी कुछ अखवामने चाले या अल्लाह आलम बार बार गल क्यों कर रहे हैं लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र से यकीन है एतमाद है जब उधर है जा नहीं जरा मैं उमरावा से आवे नहीं हुजूर खामोश हो गए एक दिन दो दिन गुजरे कोई बंदा दूर उस सहरा में चो आना पाया और वो अपनी उठनी दे और सवार है लोगा हुजूर ने खिदमत दे चरस की थी या रसूलल्लाह कोई बंदा आना पाया और नजर इतना तो नजर आना पाया कि कोई सवार है उठनी लेकिन बंदा सिजापना नहीं पाया कोरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह उठा के देखा ओ मील हा मील दूर खुला सहरा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह ऊंचा निकला के अल्लाह करे अबू ज़र होवे कौन आबाद हर कौन आबाद हर खुदा करे कि आमने वाला उबरो चा तो सा मंजी धाते वा है के कह कौन आबाद जर खुदा करे की कोर होवे अब जर होवे थोड़ी देर तो बाद वो आता घेर आया उना का यार सुल्ला बंदा तो कोई सीधा ही लगना लेकिन सिजाब ना अजे भी नहीं पिया हुजूर वत देखया आ फरमाया कौन आबाद जर खुदा करे के अबू जर होवे थोड़ी देर तो बाद वत आ तीन दफा फरमाया कि अल्लाह करे अबू जर होवे उस त्रै बारी आखा ना अबू जर नहीं आया हुजूर त्रै बारी आखा शाला अबू जर होवे जड़े वो करीब आ गए पहचानने काबिल हो गया तो कहीं संगी नारा मार के आके या रसूलल्लाह अल्लाह तो सना अगर ते कौन पूरा कर देता इधर अबू ज़र ही आवे अबू ज़र ही आवे मैं आज घर अपनी पूरी नहीं की
अगर तू एक बारी भी आख्या ना कि अबू जर होवे ते अबू जर नबी होवया ते इस मुक्तदा ने चेहरे तो जिस वक्त खबर ना पर्दा अल्लाह हटावा ना ते जेड़ा खबर बन के निकलया वो अबू जर नबी होवया ते अल्लाह उस अबू जर बना के कटा शान मोहम्मद मुस्तफा अस्मत मोहम्मद मुस्तफा खबर अबू जर बन के बाहर निकलिया इस गल मुब्तदा और खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह करे अबू जर होवे मौलाना फरमाने अबू जर नबी हो गया आज इस दर्दो गुबार विचो ई कोई और भी होवे तो अल्लाह ऐसा अबू जारी बना के कटा कहने मुई चो निकल गया मैंने पैगंबर ई होना नबी ई होना रसूल जिससे मुई चो निकली है भैया पूरी हो वजन जिससे दसिया भैया सचिया हो वजन जिससे आखिया भैया आसमान वाला पूरी कर दे और उससे मुई चो निकली भाई कोई गलत ना होवे अल्लाह ताला ने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक तो ही वापस आने पे इसी तबूक के जिथे हजरत अबू जर ना वाक्य पेश आया तबूक तो वापसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से कई गल्ला तो खुश हो गए आप सहाबा इकराम एक आने वाली खबर देती उस खबर ने मुतालिक आप फरमाया कि हद करीब मैंने तो बात एक जमाना आसी एक वक्त आसी कि तुसी यमन ना इलाका हीरा हीरा इलाके ना हुजूर ना गिदा हीरा इलाका फतह करे सो और जिस वक्त तुसी तवज्जो मैं दे रखो आमने मैंने वाले दे मेहरबानी करो जरा मैं बड़ी प्यारी गल का करे ना हीरा शहर फतह हो सी हुजूर खबर देने बैन तबूक तो वापसी थे अपने साहबे इकरामा और एक गल फरमाई फरमाया हीरा शहर जिस वक्त तुसी दाखिल हो सो ही पे खबर होना इतने बह के आज तो 20 साल 15 साल बाद होने वाला वाक्य अपनी अखियां ना वेख के बयान कर दे ई सच्चा नबी होना वो सच्चा नबी नहीं होना जेड़ा कोई इन्हें सामने पड़ी हुई गल करे तो खुदा उसकी गल भी गलत करार देवे 15 15 साल 20 20 साल और 14 14 100 साल बाद होने वाली गल भी मेरा नबी दस गया ते आज भी उन्नी हम पे पूरी होनी जी को मेरे पैगंबर ने मुंह चो निकलिया सब तो पहले वो औरत तो शामिल सी और वो उस हीरे शहर ना जेड़ा सब तो बड़ा आदमी हो सी बादशाह है या उसने गवर्नर है या अमीर है उसकी वो बेटी हुजूर उसने नाम ही कह देता फरमाया उस औरत का नाम शीमा बिनते बुकैला अज़दिया ये औरत सब तो पहले तो सा नजर आ सी हुजूर ही वाक्य बयान कर देता फरमाया हीरे भी फतह हो सी तुसनी गुलामी में चाह सी औरत ही नजर आ सी इस सवारी के सवार हो सी है जा दुपट्टा हो सी उसका ना हो सी सहाबी रसूल सामने बैठे हैं हजरत गालिबन हजरत खुरैमन हजरत खुरैम आखन लगे या रसूल अल्लाह गल तो तू सने मुझे चो निकल गई आए मरने आला नबी वा यकीन तको एतमाद तको कि मेरे नबी ने मुझे चो निकली गल तो जरूर पूरी होनी हजरत खुरैम उमर गए उन्हें कहा या रसूल अल्लाह जेड़े हैडी पक्की ते बड़ी गल दसी ने तो ई जड़ी इस खच्चर ते हो सी ई दमा देती वजो ऐलान कर दो कि मां मिल बंजे उस वक्त जेड़ा भी सदा अमीर होवे मैं उस दस देवा कि हुजूर ही मां दे गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ही अल्लाह ई टोंडी आवे मेरी तरफो टोंडी हो गई जे दाड़े भी और उलमा इथे बातें कर लिखी करोना रहमत होवन उन्होंने कब्र ते जेड़ियां गल्ला विच गल कढे ने उन्होंने फरमाया अल्लाह ने नबी हीरा शहर फतह होने की खबर भी दे दी थी
शीमानी गिरफ्तारी नहीं खबर भी दी नहीं थी ते जिस आख्या ईमान चा देओ इतने अरसे तक उसा जीवने नहीं जमानत भी दे दे ते तू ते जीना हो से ना हो जाने जेड़ा हो जाने मन की घी से और ये भी बड़े नबी रहे कंदा जाया कि जेड़ी हुई जो निकली अल्लाह उसा पूरी की थी हलीमा सादिया ने खावेदन शोहर हुजूर ने रजाई वाले दन मदीने आ गए आखन लगे या रसूल अल्लाह वहां कुछ लोग मिले उन पहली तोड़ा पुत्र अजीब बैकिया बैकिया गला करे ना मदीने चाय या मक्के चाय थोड़ा बैठा बढ़िया अजीब अजीब गला पे करे ना आप फरमाया के गला मैंने उन्हें दोस्तों दसियां जड़े उन्हें त्रै गला दसियां पहली गल उन्हें ही दसी कि थोड़ा पुत्र ही गला आखना के फारिस फतह हो सी इराक फतह हो सी ईरान फतह हो सी शाम ने खजाने साहबा ने अकदमा भी चासन है मेरे बेटे तू के जिया गला पे करे ना कैसर ना मुल्क फतह हो गए सी किसर ना मुल्क फतह हो गए सी इतने बड़े मुल्क और हिंद जिन्हें जुतियां भी त्रुटियां हुई कपड़े भी पाठी में तलवारा तीन थिवड़ियां बड़े हेठियां हुई और जिन्हें हर शाय इतनी कमजोर के भूखा ना पे नमाजा बैठाने इन भूखे ते भाने इन वन के कैसर किसरा फतह करे सर केड़िया गल्ला पे करे ना हुजूर फरमाया त्री गल केड़ी जेने त्री गल उन आखने के आ मेरे बेटे तू आखना के क्यामत आ जाने लोग कब्र चो बात उठ सन ते बात उना जिंदा की ते वेसी इन गल्ला तू आखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चो एक जुमला निकल गया आप फरमाया इन तालत मुद्दतुक ऐ मेरे अब्बा जान अगर तो सनी उम्र लंबी हुई ओए उ अगर आगे ने लावे आयो इन तालत सठे जाओ तू सी ना उम्र पहो इन तालत मुद्दतुक ऐ अब्बा जान अगर तुसानी उम्र लंबी होई ते कैसर ते किसरा नी मार कुटाई ते तुसी आपनी अखियां ना वेख सुभान अल्लाह अगर तोनी जिंदगी होई ना ते तू वेख घिसे आपनी अखियां नाल और इसका के मतलब है हुजूर आखन के अगर तोनी उम्र होई ते तू आपनी अखियां नाल वेख घिसे ते इसका मतलब है कि तुसानी उम्र इतनी हो सी तुसी उस वक्त तक ओसो हजरत अदी बिन हातिम हातिम भाई ने बैठे हुजूर की खिदमत चाहे हुजूर को गल पे करे ने उस गल में हुजूर फरमाया फरमाया ऊ झाड़ा भी के जा झाड़ा हो सी हाय हाय ऊ दिन भी कैसा दिन हो सी जे जड़े ओ मैंने कलमा पढ़ने आ रहा हूं आज कई वेले आने रोटी कोई नहीं कई वेले आखने मारे गरीबत कोई नहीं कई वेले आखने कपड़े पाटे में कई वेले आखने फकरो फाका कई वेले मैंने को नमाज पढ़ने सफरिया सफा भूख नहीं वजह तो ढेप होनी और मैंने के तो ज्ञान के इन गल्ला करे ले ओ ध्याड़ा भी के जा ध्याड़ा हो सी जिस धाड़े मदाइन ने कसरे अभियस ते तुसी झंडा ले रहा सी और मदाइन ने कसरे अभियस ई किसरा ना महले हुजूर उसी तरह इशारा करके फरमाया कि किसरा ने मदाइन ने अभियस ते जिस धाड़े तुसी कसरा कसरे अभियस ते झंडा ले रहा सो ओ धाड़ भी वातो सा निशाना तकने आ गया वास शान ए सहाबा अस्मत ए सहाबा अदी बिन हातिम अदी बिन हातिम हातिम ताई ने बैठे ईसाई मजहब है मुसलमान होए सहाबी बने हुजूर ने सामने बैठे गल्ला तो हराया अरे यार रसूल अल्लाह के इरशाद फरमाने पे हो ईरान ईरान किसरा नाम कसरे अबियस इन वाइट हाउस हर जमाने च रहे आगे और इन 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 फकीरा ने हाथ तक इन दे परचम लगने वाले अल्लाह अफगानिस्तान भी तका लेता इन समझ आवे तो समझ आवे उस जमाने में जेड़ा वाइट हाउस है वो किस तरह ना हजरत हातिम ताई इस गल्ला तो हराया कि बेटा सुने केड़े वाइट हाउस की गल पे करे लो किस तरह ने महल एक ही कुल हो सी उन्होंने समझ नहीं आना या रसूल अल्लाह एक ही कुल हो सी करोड़ा सलाम हमारे इस पैगंबर थे हुजूर ने मुंह से निकल गया जेड़े उसी कद ते चढ़े पे झंडा लावने वास्ते अदी तू भी मां उन विच नजर आना जेड़े उस झाड़े उस झंडा लावने वास्ते चढ़ सर ए अदी तू भी उन विच अदी बिन हाथे माखने खुदा नी कसम है फारूक आजम ने दौरे जे झाड़े ई गुरूर टूटा जे झाड़े ईरान ना गुरूर मिलिया मेट होया जे झाड़े कसरे अबियत फत होया तो उन शाह सवारे विच मैं अदी भी मौजूद है और मैं कद्दा ते चढ़ के झंडा भी लाया मदीने
दोबारा उठ सो डाले अल्लाह के सामने पेश हो सो। अगली गल सुने हुजूर फरमाया अब्बा क़यामत घड़े जिस दाले तू उठ से ना कब्र चो तो मैं उन्होंने थोड़ा हाथ नाप के तो हाथ सा कि अब्बा जान यही दिन ने जिससे मैं वादा करे ना दो किसी ने इस दहाने क्या बच्चा जड़े माड़ा हाथ मैं तो पेश रहा। अल्लाह ताला हजरत हारे सा ईमान की तौफीक दे दी थी। हुजूर ने रजाई वालिद भी रजाई वालदा भी दोए कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हैं। कैसर और किसरा की फतूहात भी हजरत हारे सा भी अक्षर आवे के दी लेकिन वह त्यार ना एक जुमला आखने उन्हें मेरा टाइम पूरा हो गया जरा मेहरबानी करे मां सुभान अल्लाह सुनानी ने हजरत हारे फरमाने के दो गलत मैं वे गिदियार अपनी अक्षी नाल बाकी रह गई त्री गल के हुजूर क़यामत घड़े मां आख्या कि मैं कब्र च उठ के तोड़ा हाथ ना पेसा। लोगो तुसी क़यामत घड़े अपनी सफारश ढूंढे शफात ढूंढे बख्शिश ने सामान ढूंढे दुनिया ते नेकियां करे उन्हें नेकियां ते नजर रखे छिड़ा कम तो बड़ा बनाया ने हुजूर जड़े कब्र च उठ के मेरा हाथ ना पेसा तो मैं ना पुत्र वत ए जावे नहीं जड़ा हाथ नप के छोड़ दे छोड़े सी ता जड़े मां जन्नत ते पहुंचा। सुभान यकीनी खबर कुरान और हदीस और क़यामत और कब्र और हशर उनके को गलत हो सकती साबित आना या रसूलल्लाह उ जागती मां चाहते हो हजरत अबू बकर या हजरत अबू बकर ना दौरे हीरा फतह हो गया गिरफ्तार कर गया अल्लाह हीरा भी फतह दे देता और ये भी माले गनीमत आ गई ये फकीर साहबी भी बिच मौजूद है इस आख्या भाई सारा माले गनीमत तकसीम करके दो ईसाई मां आप दे गए वापस कर दे हवाले चाकी थी साहबा के अल्लाह ने बंदे कदूर नी खेती भैया रोज साहबा तक हीरा भैया हजूर मां दे गया लपसी हूं जड़े लभी एक हजारे नी चा वेचिया अज तक करोड़ भी मंगया तो लभ पाया अरबा खतर लख मंगया तो भी लभ्या करोड़ा मंगया तो भी लभ पाया ना इन्हें कुछ खजाने भरे पे साहबी ने जवाब सुना ना खुदा की कसम है मैं समझा गिनती है तो तक मैं समझा गिनती हेतु ताके मैं तो अपनी तरफों फुल गिनती मंगी दुनिया तो ही हाल है ते आखरत ईमान और अकीदे ने उसे खड़े
کہ خدا بھی پہ سلامیاں دے سبحان اللہ بھی انہوں نے تذکرہ قران جان کا کرنا میرے دوستو راتی نے سجدے وچ خدا نے تنہائی میں شکر ادا کیتا کرو کہ اللہ ایمان بھی دیتا کلمہ بھی دیتا تے حضور نے امت پڑھایا میں جمعے تے بھی لوگ اپنے سیاں ادگاہ میں جاکا میں کہ حضور ایک دعا منگنی ہے اساں بھی دعا منگنی چاہیے اللہ میں بھی اسلو کہ ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد واسلو کہ مرافتہ کا نبی مان نبی کا پھر جنت جنت الخلد اے اللہ میں توڑ کو ایسا ایمان منگنا جڑا ایمان تو دےویں تے بات کھسے نہیں اے جا ایمان دے بات کوئی کے بن گیا تھی کوئی کے بن گیا اے جا ایمان نہ دے ایسا ایمان دے جڑا بات اپنی جگہ تو حل نہ سکے کہیں ویزے پیچھے کہیں جاگتی پیچھے کہیں مال پیچھے کہیں دولت پیچھے اے اللہ بات ماں ایمان تو ہٹائے نہیں ایمان دے تے پیڑا دے اپنے نبی نے پرچم تھلے کھلارے ہی موت تک کھلاری راتی جے کوئی مولانا دا سینے پہ کہ پیاسے مر گئے لیکن حضور نے ختم نبوت کا پرچم لمن نہیں دیتا تھمن نہیں دیتا اور اے اللہ رحم تے جیاں دے جڑیاں دیویں تے مت گھنے نہیں تے جنت دیویں تے خالی جنت دے داخل نہ کرے اج اللہ سا ایمان دیتا لیکن حضور تو 1400 سال بعد اللہ ایمان دیتا لیکن تلغم تلاوے وچ پیدا کر دیتا حضور پہلے اللہ کو دعا منگی کرو کہ خالی جنت تے نہ داخل کرے کہ جنت تے داخل کر دیتا ہی کئیاں چترال جا دیتی ہے تے کئیاں گل گت اے جی جنت نہیں جنت اے جی دے جتھے مصطفیٰ نہ گواٹو جنت اے جی دے جتھے حضور نہ پڑھو سوے دوستو حضور نہ پڑھو سنا لبنا جڑے زندگی بھر حضور نے ختم نبوت کا پرچم چاہی رکھن خدا ماں بھی تساں بھی اور سنے آنے والی نسلہ بھی حضور نے ختم نبوت کا وفادار سپاہی بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ